जब आप सारे अमल कर करके थक चुके हों तो अब इसे भी एक बार जरूर आजमा लो। वो सर के बल चलकर आपके कदमों में ना आ गिरे तो कहना, छोड़ देना आप उसे अपने हाल पर, और देखना वो आपको अपने हाल पर हरगिज नहीं छोड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू ना दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। जब किसी इंसान पर कोई अमल काम नहीं करता तो ऐसे में ये अमल उस पर अपना कमाल दिखाता है, क्योंकि इसकी तासीर बिल्कुल अलग है। शैतानी असरात की वजह से सामने वाला शख्स ऐसा गाफिल हुआ बैठा है और आपको हर तरह से भुला चुका है कि उस पर तो अब कुछ भी पढ़ो काम ही नहीं करता, किसी अमल का कोई असर उस पर होता ही नहीं। ऐसा मैं नहीं, कई भाई और बहने कहते हैं, तो उन्हीं के लिए आज ये खास अलग असर दिखाने वाला अमल बता रहा हूँ। मतलब ये कि इसके जरिए उसके रवैये में आपको बदलाव नजर आएंगे, धीरे धीरे ही सही, मगर अमल के असर से वो आपकी तरफ रुजू करेगा। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी है, यकीन मानना राह से भटके हुओं के लिए बहुत ही मुजरब शुदा अमल है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना बोरिया बिस्तरा सब कुछ बांध कर जहां कहीं भी होगा वहां से सर के बल चलकर आपके पास आएगा। अर्जेंट में ये काम करता है, लेकिन आपको किसी नाजायज मकसद के लिए नहीं करना है। अगर आप सीधी राह पर होंगे तो अमल बेशक अपना काम करना शुरू कर देगा। जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। कई महीनों से जिस लड़के ने हमारी इस बहन से मुंह मोड़ लिया था उसकी दिलचस्पी गई, वो भी गया, दोबारा लौट कर वापस नहीं आया, पलट कर भी नहीं देखा कि मैं किसी को झटक कर आया हूं। उसका मेरे पीछे क्या हाल बनता होगा। ये चैनल ऐसे परेशान हाल मेरे बहन भाइयों की मदद के लिए ही है। इस बहन के लिए अमल किया, अल्लाह नेक नियत वालों की नियत जरूर पूरी करता है। वो लिखती हैं कि बाजी, उस लड़के ने मुझसे बात की, मैं बहुत खुश हूँ आपकी वजह से और इमरान भाई की वजह से। आपने मुझ यतीम पर बहुत रहम किया, आपने मेरा दुख समझा, आप लोगों की वजह से आज मैं खुश हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी आप हमेशा खुश रहें, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं आपके बारे में सबको बताऊंगी। बाकी पूरा टेस्टिमोनियल आप आगे स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। एक जरूरी बात आपको बताता चलूं, एक चैनल का नाम है ऑनलाइन तावीज। वो यहाँ से एक एक दो दो वजीफे थोड़े थोड़े वक्त में चुराते रहते हैं और अपने चैनल पर डाल देते हैं। आप लोगों से यही कहूंगा कि यहाँ के अमल किसी और चैनल से बिना इजाजत के नहीं पढ़ना, और अमल पढ़ने से पहले अगर आप यहाँ नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सूरह नंबर 37 जो सूरह असाफात है, इसकी आयत नंबर 118 ये आपको पारा नंबर 23 में मिल जाएगी। आयत आपको पढ़नी है वो ये है, वहदैना हुमस सिरातल मुस्तकीम, जिसका तर्जुमा है, और उन दोनों को हमने सीधे रास्ते की हिदायत दी। मोहब्बत के सफर में ये लाजमन है कि सामने वाला जिस राह पर आ रहा हो तो आप उसे उसी राह पर वहीं खड़े मिले, इसीलिए तो उन्हें हमराह कहते हैं। जब वो आपसे राब्ता करे और वापस लौट कर आने के लिए कहे कि मुझे माफ कर दो, तो उन्हें एकदम से माफ न करें बल्कि थोड़ा सोचने के लिए बहाने से वक्त दे दें और एक दो दिन बाद उनसे बात करें। देखना उसकी तड़प और बढ़ जाएगी और वो और ज्यादा बेचैन होकर आपसे राब्ता करेगा या करेगी। ये आयत आप 100 मरतबा पढ़ें और एक फूक सामने वाले की फोटो पर लगा दें, फिर से 100 मरतबा पढ़ लें और फिर से उसकी फोटो पर दूसरी फूक लगा दें, तीसरी बार आपको 113 टाइम्स यानी 113 मरतबा पढ़नी है और फिर से तीसरी फूक उसकी तस्वीर पर लगा देनी है, तो कुल आपने 313 मरतबा पढ़ लिया, जिसमें कुल 3 फूक सामने वाले की फोटो पर आपने लगा दी है। उसके बाद उसका नाम लेकर दुआ भी करें, इंशाअल्लाह ताला देखना उसी वक्त उसके सर के बल चलकर आपके पास आने की कवायद शुरू हो जाती है। अल्लाह पाक इस वीडियो को नेक नियत से देखने वालों की तमाम जायज़ अली मुराद पूरी कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ा दे।